हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता जायका। तो गाइस, आज मैं आपके लिए डोमिनो स्टाइल चोकोलावा केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप इजीली घर में बना सकते हो। तो हम जब डोमिनोज में जाते हैं तो एक छोटा सा चोकोलावा केक मिलता है और हमें और खाने का मन होता है, लेकिन ये महंगे काफ़ी होते हैं। तो अभी आप घर में इसको जो है बहुत ही कम बजट में बना लोगे और बहुत सारा चोकोलावा केक आप इंजॉय भी कर लोगे। तो चलिए गाइज, इसको बनाने की रेसिपी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर भी करें। साथ में आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आज मैं ये चोकोलावा केक कन्वेक्शन मोड पे माइक्रोवेव में और कढ़ाई में दोनों में ही आपको जो है दिखाऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये एक बोल ले ली है, इसमें मैं 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाल दी है, और उसके साथ साथ 1/4 कप से भी कम है ये, और ये मेल्टेड बटर है वो मैंने डाल दिया इसमें, और मैंने साथ साथ 3 से 4 ड्रॉप जो है इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। अगर आपको वनीला एसेंस इसमें नहीं पसंद है तो आप इसमें नहीं ऐड करिएगा। और इन सबको हमें अच्छे से फेंट के मिक्स कर लेना है। तो ये सब कुछ मैंने फेंट लिया है, तो मैं एक छन्नी ले रही हूँ अभी, और उसमें मैं ये 1/2 कप मैदा डाल रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है उसके हिसाब से मैदा डालिएगा। और मैंने ये 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ले रखा है, साथ साथ मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। तो इन सबको मैंने छान लिया यहाँ पे। तो अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा, और अभी हमें इसमें डालना है ये मेल्टेड चॉकलेट। तो इसको डबल बॉयलर में आप मेल्ट कर सकते हो, मैंने तो इसे 80 सेकेंड जो है माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। तो आप जैसे चाहो वैसे इसको मेल्ट कर लो। और अब हमें लगने वाला है दूध, तो मैंने 1/2 कप ये दूध लिया हुआ है, और ये डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दूध अगर 1/2 कप से आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड कर रही हूँ। एक साथ हमें नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालना है इसमें। तो इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से हमें मिक्स करना है इसको। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा ही करके दूध डाल रही हूँ। तो अभी मैंने पूरा 1/2 कप ये दूध मैंने पूरा यूज़ कर लिया है। तो अभी इसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 टेबलस्पून ये चॉकलेट सिरप इसमें ऐड कर दी है। आपके पास अगर चॉकलेट सिरप है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास चॉकलेट सिरप था तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया। तो अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने ये कप मोल्ड ले रखे हैं जो सिलिकॉन के हैं, और साथ साथ मैंने ये 2 छोटी कटोरियाँ ले रखी हैं। आपके घर में ऐसी कटोरियाँ हैं तो आप ले सकते हो। तो अभी मैंने थोड़ा सा घी कटोरियों में डाल दिया है, और अच्छे से उनको घी उसमें स्प्रेड कर दूँगी मैं, अच्छे से मैं लगा दूँगी घी पूरी कटोरियों में इस तरह से, देखिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें कोको पाउडर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, तो इसको डस्ट करेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर से, और ये कटोरियों से हम कढ़ाई में बनाएंगे ये केक। तो ये डस्ट कर दिया मैंने, तो चलिए अब जो है थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें विनेगर डाल दिया है, और विनेगर डाल के हमें ज़्यादा टाइम इसे मिक्स नहीं करना है। आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो उसमें, विनेगर हो चाहे नींबू का रस हो। तो मैं अब ज़्यादा टाइम इसे मिक्स न करते हुए अब मैं बनाने के प्रोसेस में चलती हूँ। तो मैंने जो है क्या किया है, ये कप केक के अंदर स्पून ले लेना, मैं तो इसी से कर रही हूँ। 1 स्पून जो है आपने ये डालना है बैटर, और उसके बाद इस तरह से मैंने 2 डार्क चॉकलेट डाल रखी है। अब इसके ऊपर से इसको कवर कर देंगे इस तरह से, और हमें उतना पोर्शन खाली रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा फूलेगा।
तो मैंने इसी तरह से आपको कटोरी में भी लगा के दिखा रही हूँ मैं। तो बस कटोरी में भी ऐसे ही करना है, और इसी तरह से मैंने चॉकलेट डाल दी है। तो मैं यहाँ पे दो दो चॉकलेट डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लावा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये देखिए, ये मैंने ऊपर से इसको कवर कर दिया है। इसी तरह से सारे केक मोल्ड हम लगा लेंगे इस तरह से। तो इतने मैदा से और कोको पाउडर से मैंने 5 ये जो है कपकेक मोल्ड तैयार कर लिए हैं, और साथ साथ ये 2 कटोरियों में भी मेरे हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने 7 चोकोलावा केक तैयार कर लिए हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने माइक्रोवेव में 180 डिग्री कन्वेक्शन मोड पे जो है उसे ऑन कर दिया है प्रीहीट होने के लिए। साथ साथ कढ़ाई को भी मैंने जो है 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये कटोरियाँ जो है कढ़ाई में प्लेस करूँगी और वो कप मोल्ड माइक्रोवेव में। तो मैंने एक कटोरियाँ जो है कढ़ाई में प्लेस कर दी हैं। इसको हमें 12 से 15 मिनट लगेंगे बनाने में। और साथ साथ ये देखिए 180 डिग्री पे ये माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है। तो इसके अंदर मैं ये जो कपकेक मोल्ड्स हैं ना, जिसमें मैंने ये चोकोलावा केक का बैटर डाला है, वो अभी मैं इस तरह से ट्रे में करके इसको रख दूँगी। और इसे यहाँ पर हम 8 मिनट में इसे बना लेंगे। तो मुझे सिर्फ 8 मिनट लगा है इसे बनाने में। तो याद रखिएगा, कढ़ाई को 10 मिनट प्री हीट करना है, उसके बाद आपको चोकोलावा केक बनाना है, और उसके लिए 12 मिनट लगेंगे। और लेकिन माइक्रोवेव में आप इसे, मतलब कन्वेक्शन मोड पे आपको इसे 8 मिनट लगेंगे। तो आप ये ओवन में बना सकते हो, या माइक्रोवेव में बनाना है तो आप कन्वेक्शन मोड पे इसे बना सकते हो। तो ये देखिए, ये मैंने पलट लिया है। ये बहुत ही मतलब ट्रिकी सिचुएशन होती है, इसको पलटना सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है। तो अभी मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए क्या लग रहा है ना, ज़बरदस्त चोकोलावा केक लग रहा है ना, बिल्कुल डोमिनोज वाले। तो इसे देख के मज़ा आ रहा है ना आपको। चलिए मैं दूसरा वाला भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये दूसरा वाला भी निकाल लिया है इस तरह से, और इसे भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही बना है, और इसको गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये तो जो माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे बनाया था मैंने, वो आपको दिखाया। आप ओवन में इसको इजीली बना सकते हो। और अब ये कढ़ाई वाला भी 12 मिनट हो चुका है, तो मैंने इसे निकाल लिया है जो हमने गैस पर बनाया है इसको। और इसको पलटना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, बट ठीक है, ये उतना अच्छा तो नहीं निकला, बट लावा तो भाई ज़बरदस्त निकला है। तो आप देख सकते हो कि आप इस तरह से कटोरी में भी बना सकते हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको टर्न करो ही, आप इसे कटोरी में भी एज इट इज़ खा सकते हो, तो लावा तो वैसे ही रहेगा। तो देखिए, ये दोनों ही चोकोलावा केक बन के रेडी हैं। ये बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुए हैं, और इनको खा के तो आपको मज़ा ही आ जाना है। तो आप कभी भी घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, तो एक साथ आप ओवन में या माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे इसे बना सकते हो। और आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो आपके पास छोटी कटोरियाँ हैं, तो उसमें भी आप इसे बना सकते हो। तो मैंने तो आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।